वेलकम टू माई वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दाने की सब्जी। तो इसमें तुअर के जो दाने होते हैं वो लेते हैं, लेकिन मैंने लिया है जो हमारे देसी पापड़ी आते हैं ना, तो उसके मैंने दाने लिए हैं। और इसे तीन मिसल करके इसे बॉईल कर लिया है, तो ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। साथ में मैंने एक जुड़ी मेथी की ली है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है और इसका पानी हमने निकाल दिया है। अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी हम बड़ा वाला बाउल लेंगे, इसके साथ हम पहले डाल देते हैं मेथी। इसमें मैंने गेहूं का आटा लिया, एक दरदर आटा लिया है, और एक तो जो प्लेन जो रोटी हम बनाते हैं ना वही हमने लिया है। तो अभी जो दरदर आटा है वो आधा कटोरी जितना लिया है, साथ में आधा कटोरी जितना चने का आटा और आधा कटोरी जितना जो सिंपल गेहूं का आटा जो हम रोटी के लिए लेते हैं वही हमने लिया है। तो अभी इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें मैंने एक से दो टेबल स्पून जितने रोस्टेड तेल लिए है, आधा टीस्पून जितना अजवाइन। इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। मैं ये जो सिंपल वाली आती है, जो तीखी वाली आती है ना, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप इस तरह से ले रहे थे। मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हल्दी डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर डाला, धना पाउडर डाला है और नमक। और इसके साथ हम डाल रहे हैं हींग। और इसके साथ मैं थोड़ा शक्कर भी डाल रही हूँ। अगर आप शक्कर पसंद नहीं करते हो तो आप स्किप कर सकते हो, पर ये मेथी कड़वी है तो ये थोड़ा मेंटेन रखने के लिए हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। देखिए इस तरह से एक टेबल स्पून जितनी शक्कर डाल रहे हैं और एक टेबल स्पून जितना ऑयल डाल रहे हैं। पहले तो हम इसे अच्छी तरह से मसल के अच्छी तरह से हम कर लेते हैं, ताकि जो इसमें पानी है ना मेथी में तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, पहले हम पानी डाल देंगे तो वापस ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो वापस हमें इसमें आटा डालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि पहले हम इस तरह से इसे मसल लेते हैं। पानी की ज़रूरत पड़ेगी बट पहले हम इस तरह से मसल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हो, पर मैं दही सब्जी में डाल रही हूँ तो इसे इसमें नहीं डाल रही। देखिए अभी इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सख्त डो बना लेते हैं। बिल्कुल नॉमिनल पानी लगेगा इसमें। देखिए ये इस तरह ऐसा समझो, दो तीन टेबलस्पून जितना ही पानी यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से गोला बन गया है, सिर्फ हमने दो टेबलस्पून जितना पानी डाला है। तो इसे थोड़ा सा हम इस तरह से ऑयल लगा देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने बना दिया है। तो हम हाथों का हम तेल लगाते हैं और छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं इस तरह से। ये ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मैं इसमें शेलो फ्राई करूँगी ताकि ज़्यादा ऑयली भी ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने बना दिया है और ये जो छन्नी है इसे मैंने ऑयल कर दिया है। तो इस तरह से हम रख देंगे। अभी पूरा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से हमने गोले बना लिए। ये देखिए थोड़े इसमें थोड़ा सा गैप रखा है। ये देखिए अभी चलते हैं गैस के पास। मैंने ऑलरेडी पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, अभी चलते हैं गैस के पास। मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। देखो अभी ये भाप आ रही, उबला नहीं है बट ये भाप आ रही है, तो अभी हम इसे रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अभी करते हैं बंद और इसे लगभग 12 से 15 मिनट तक पकने देते हैं। लगभग 12 मिनट जैसे हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसे हम चप्पू से कर लेते हैं चेक। ये देखिए एकदम क्लीन आ रहा है, तो इसे हम निकाल दें। एक बार मैंने बीच में चेक कर लिया था
लगभग 5-6 मिनट के बाद थोड़ा चेक किया था, अभी मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ तो अभी ये परफेक्ट हो गए। तो गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और इसे हम निकाल लेते हैं। अभी हम पैन रख दिया है जो हमने इस तरह से बनाए थे, ये गोले देखिए, तो इसे हम इसमें डालेंगे। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप कर सकते हो, पर शेलो फ्राई किया तो ज़्यादा बेटर होगा, तेल ज़्यादा नहीं जाएगा और टेस्ट भी लगेगा। नहीं तो क्या होगा कि वो ज़्यादा जो सब्जी है ना हमारी वो पूरी ऑयली ऑयली हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा। टेस्टी खाना है तो इस तरह से बनाइए, या आपको डीप फ्राई चाहिए तो आप डीप फ्राई भी बना सकते हो और इस तरह से शेलो फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमने ऑलरेडी इसे बॉईल कर दिया है तो ये टोटल पक गया है, पर इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है तो इसी तरह से मैं कर रही हूँ। या डायरेक्ट भी आप इस तरह से सब्जी में डाल सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम डाल देते हैं। जितने आसानी से आते हैं उतने हम डाल देंगे और इसे उलट पलट करके ब्राउन कर देते हैं, और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगेंगे, टेस्टी लगेंगे। वैसे भी ये सिर्फ इस तरह से भी खाने में मज़ा आता है, आप इस तरह से भी खा सकते हो। देखिए अभी इतने बच है तो ये हमने डाल दिए हैं, बाकी के बचे हुए ये जब हो जाएंगे तब मैं डालूँगा। अभी इसे एक साइड से हम टोटल होने देते हैं, इसे ना पलटाते जाना है इस तरह से, ताकि सब तरह से ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए जहाँ पे फ्राई हो गए इसका कलर चेंज हो जाता है, तो इस तरह से बनाइए। इस तरह से मैं पूरे पलटा लेती हूँ। देखिए ये बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और जो दूसरे बचे हैं वो डाल देते हैं, चार पांच बचे हुए हैं तो वो हम डाल देते हैं। और ये देखिए फ्राई हुए हैं, कितने बढ़िया नज़र के हैं, तो इसे हम साइड पर रखते हैं। अभी इस तरह से हमने पूरा बना दिया है, ये देखिए बढ़िया सा बन गया है। और जितना तेल बचा है ना, लगभग आप इस तरह से मान के चलिए कि ये हमने आधा कटोरे में 5 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया था, उसी में हम फ्राई भी कर रहे हैं और उसी में हम सब्जी भी बना रहे हैं। तो इसमें डालते हैं आधा टी स्पून जितनी राई, आधा टी स्पून जितना जीरा, एक तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, और साथ में डाल रहे हैं यह प्याज, इसको मैंने कभी कट कर लिया है, मिक्सी में बना लिया है तो इसका पेस्ट बन गया है। अभी प्याज का फ्लेम हम लो करते हैं और पहले हम मसाला देख लेते हैं कि हमें किस तरह से मसाला चाहिए। तो अभी हम चलते हैं मसाले के पास, तब तक ये धीमी आँच पे होता रहेगा। अभी सूखे मसाले में हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हींग, धना पाउडर, गरम मसाला, सौंफ का पाउडर, नमक और हल्दी, जो नॉर्मिनल होता है ना वही हमने लिया है। साथ में हमने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून दही। तो इसमें हम पूरा मसाला डाल देते हैं और इसका एक बढ़िया से पेस्ट बना देते हैं। देखिए इस तरह अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए अभी हमने ये मसाला मिला दिया है। तो ये मैंने जो पानी है, तो मैंने जो दाने उबाले थे ना वही है, तो वह मैंने फेंका नहीं है, तो इस तरह से मैंने रखा है। तो इसमें हम मिला देते हैं ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से फूल जाए जब तक हमारे प्याज और टमाटर होते हैं तब तक। अभी देखिए इसे हमने इस तरह से मिला दिया है। अभी हम चलते हैं वापस प्याज की तरफ। अभी देखिए प्याज हमारा बढ़िया सा हो गया है, तो 2 टमाटर लिए हैं उसके भी मैंने पेस्ट बना दी है, तो इसे भी हम चला लेते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से होने देते हैं।
अभी इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून जितना बटर। बटर से भी एकदम बढ़िया सी टेस्ट आएगी इसकी। और इसे वापस हम चलाते हैं। देखिए अभी इसमें से तेल रिलीज हो रहा है, ये देखिए। मीन जो हमारा मसाला तो अभी तक हमने नहीं डाला है, सिर्फ प्याज। और जब मैंने प्याज किया मिक्सी में किया था, उसके साथ 5-6 लहसुन भी डाल दिए थे, तो वो भी मैंने मिक्स कर दिए थे। और टमाटर डाले हैं, तो अभी जो हमने दाने लिए ना, वो पहले डाल देते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। ये दाने की सब्जी भी बहुत ही बढ़िया सी लगती है, गजब की लगती है। तो इसे हम इस तरह से 2-3 मिनट तक होने देते हैं। अभी देखिए गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, और दही वाला जो हमने मसाला लिया है ना, वो डाल देते हैं और इसे हम चलाते हैं। फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे हम चलाएंगे। देखिए इसमें भी जो ऑयल है ये ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो इसी समय हम डालते हैं पानी, जो मसाले वाला पानी है ना, और जो बचा हुआ था वही हम डालेंगे। आपको जैसे भी बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हो। अभी इसे हम उबलने देते हैं। इसके करते हैं कवर। अभी देखिए ये उबलना स्टार्ट हो गई और बढ़िया तरीके से उबल रही है। तो इसी समय हम जो हमने गोले बनाए ना, वो डाल देते हैं। कुछ रखेंगे, कुछ डालेंगे इस तरह से। ये बाकी के मैंने इस तरह से रखे हैं। अभी वापस कवर कर देते हैं। अभी देखिए हम चेक कर देते हैं, देखिए कितनी बढ़िया से बनी है। इसे हम चला लेते हैं। और ये ठंड जब थोड़ी ठंडी होगी ना, तो और ये गाढ़ी होगी। तो इसी समय हम गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ, और इसे हम सर्विंग बाउल में दे लेते हैं। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है, देखिए इस तरह से। ये देखिए अभी इसे हम सर्व करते हैं। देखिए इस तरह से हमने सब्जी बनाई, कितनी बढ़िया सी है। देखो यहाँ बड़े प्यारी सब्जी। अभी इसी में मैंने एक पीस रखा है, ये देखिए। इसी को मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, ये देखिए। ये देखिए आप इसी तरह से भी खा सकते हो। मैं आपको पास से बताती हूँ कितना सॉफ्ट सॉफ्ट और बढ़िया सा। ये देखिए इसका लुक देखिए, जो अंदर का हमने किया था ना, ये देखिए। आप इसे स्पून से भी खा सकते हो, इतनी बढ़िया सी रेसिपी है, एकदम गजब की है। और टेस्ट इसका लाजवाब है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए जो मेथी है ना, तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। कड़वाहट जो होती है ना, वो बिल्कुल इसके टोटल चल जाती है, क्योंकि इसमें हमने दही डाला है, शक्कर डाला है, तो बहुत ही बढ़िया सी टेस्ट लगती है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं लगेगी। मेथी है, उसकी कड़वाहट, उसका गुणधर्म है, तो वो थोड़ी बहुत आएगी, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इतनी बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए हमारी सब्जी तो हो गई, बट हमने जो
भजी निकाल के रखी है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसे इस तरह से देख लिए, और मैंने वो तोड़ के भी बताई है कि कितनी बढ़िया सी है। और इसे जब हम भजिया डालते हैं ना, तो वो थोड़ी देर बाद ही डालना है। जब आप खाने को बैठोगे ना, तब 5-10 मिनट जब लगेंगे तब आप बनाएंगे, तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। मीन्स ज़्यादा भी नहीं होगी, या तो ज़्यादा हो जाएगी तो वो पूरी स्प्रेड हो जाएगी, तो इस तरह से नहीं करना है। तो आप इस तरह से बनाओगे तो बढ़िया सी बनेगी। अभी ये देखिए, हमने जो बनाए थे ना, हमने इसे शैलो फ्राई किया है, तो चलो इसे भी देख लेते हैं। इसे क्यों छोड़ना है, ये देखिए इसका लुक देखिए अंदर का। और आप ऐसे ही खा सकते हो, टमाटर सॉस के साथ, चाय के साथ, या ऐसे ही खा सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगी। बिल्कुल इस तरह से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और इस तरह से ज़रूर बनाएं मस्त रेसिपी, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो आप ज़रूर बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।